हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेशली रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो लग जाते हैं काम पर। अगर हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसे हम ए बी से प्रेजेंट करें, ए बॉन्डेड विथ बी, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी जो है ये आपस में एक स्प्रिंग के जरिए कनेक्टेड है। तो जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को थोड़ा खींचोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेस भी कर सकते हो। तो उसी तरह से केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स को भी जो है स्ट्रेच किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, या फिर ये कहना ज़्यादा बेटर है कि केमिकल बॉन्ड्स में स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग जो है चलती रहती है। तो बॉन्ड जो है कभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये अपने आप चलता रहता है, या फिर बोलो ये वाइब्रेट करता रहता है, बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ, तो ये वाइब्रेशन करता रहता है। और एक सेकंड में जितने बार ये वाइब्रेशन करेगा उसको हम बोलेंगे ये बॉन्ड की वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी है। और इसके लिए अगर हम एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/2π अंडर रूट के बाई म्यू, इस टाइप का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जहां पर के जो है इस बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट होगा। बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा फोर्स कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और बॉन्ड जितना कमज़ोर होगा फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू उतना छोटा होगा। म्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, और म्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1/μ इज इक्वल टू 1/mA + 1/mB। मतलब ए और बी के एटॉमिक मासेज अगर हमें पता है तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके हम म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ए और बी का जो एटॉमिक मास जितना ज़्यादा बड़ा होगा म्यू का वैल्यू उतना बड़ा आएगा, और इन दोनों का एटॉमिक मास जितना छोटा होगा म्यू का वैल्यू उतना छोटा आएगा। मतलब हैवियर एटम्स के लिए म्यू का वैल्यू बड़ा होता है, स्मॉलर एटम्स के लिए म्यू का वैल्यू छोटा होता है। तो म्यू का वैल्यू इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। और इसका वैल्यू डिपेंड करता है इन दोनों के एटॉमिक मास पर, और इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू डिपेंड करता है बॉन्ड की मजबूती पर, बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, बॉन्ड जितना कमजोर होगा फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही कमजोर होगा। तो एटम्स में जो है ये वाइब्रेशंस होते रहते हैं, ठीक। केवल वाइब्रेशंस ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे सपोज हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ तो हमने एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की थी, इसमें सिर्फ बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन अगर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स और भी बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग के अलावा एक और तरह का वाइब्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ये दो तरह के वाइब्रेशंस जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर चलते रहते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। और बेंडिंग का मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, ये बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। अब ये बेंडिंग कई तरह से हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अंदर की तरफ थोड़ा बेंड हो जाए तो बॉन्ड एंगल जो भी ज़्यादा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सीजरिंग, सीजरिंग टाइप ऑफ मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक ही साइड में भाग रहे हों, तो इसको हम नाम देते हैं रॉकिंग, रॉकिंग टाइप ऑफ मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन एटम्स, अभी तो ये हमने बोर्ड के प्लेन में सारी बातें करी हैं, ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम्स प्लेन से अंदर और बाहर भी मूव करने की कोशिश करें। तो चलो बाहर के मूवमेंट को हम प्लस से दिखा देते हैं और अंदर के मूवमेंट को माइनस से दिखा देते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट अगर होगा तो
तो इसको हम नाम देते हैं ट्विस्टिंग। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ बाहर की तरफ या फिर दोनों एक साथ अंदर की तरफ, तो चलो दोनों पर प्लस लिख दिया, मतलब दोनों ही प्लेन से बाहर आएंगे, तो इसको हम कहते हैं वैगिंग। तो तरह तरह के बेंडिंग मोशंस जो है, बेंडिंग वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स के अंदर होते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस, दो तरह के वाइब्रेशंस होते रहते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम मॉलिक्यूल को थोड़ी एनर्जी दें, मतलब कोई रेडिएशन इसको दें, तो जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो होता क्या है कि अब इसका जो वाइब्रेशन है और भी ज़्यादा फोर्सफुली, और भी ज़्यादा ज़ोर से होने लगता है। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, मतलब एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होता था उतनी ही बार वाइब्रेशन होगा, लेकिन अब वो वाइब्रेशन जो है और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होने लगेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर एक झूला है, ठीक, वो इस तरह से किसी चीज़ से लटका हुआ है और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जो है वो इस तरह से झूल रहा है, एक बार इधर जाता है फिर एक बार इधर आता है। तो सपोज एक सेकंड में ये, एक मिनट में सपोज ये 10 बार आ जाता है, ठीक, हम झूले को थोड़ी और एनर्जी दे दें, अब ये क्या होगा, अब ये पहले से थोड़ा ज़्यादा दूर तक इधर जाएगा, पहले से ज़्यादा दूर तक इधर जाएगा, लेकिन एक मिनट में अभी भी वही 10 बार ही आता जाता है। पहले भी पर मिनट 10 बार आता जाता था, अभी भी पर मिनट 10 बार आता जाता है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी वही है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, एक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, इसमें अपना स्ट्रेचिंग हो रहा है, बार बार बॉन्ड बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, वाइब्रेशन चलते चले जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमने रेडिएशन कुछ डाला। तो जैसे ही हमने रेडिएशन दिया, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो ये बॉन्ड क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसका जो एम्पलीट्यूड है अब वो बढ़ जाएगा, मतलब ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हुआ, मतलब मॉलिक्यूल जो है एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला गया। कैसे चला गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी दिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला गया। और हम लोग ये मेजर कर सकते हैं, हम लोग ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज करें तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल ने कौन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और इससे जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वही हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका कौन सा रीजन यूज करते हैं, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन होता है, समझने के लिए पॉइंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें तो बहुत सारे तरह के रेडिएशंस होते हैं, जैसे उसमें गामा रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, विजिबल रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, रेडियो वेव्स होते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग यूज करेंगे ताकि जो है मॉलिक्यूल में जो हम लोगों ने ट्रांजिशन डिस्कस किया, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमें देखने को मिले, सभी एनर्जी से हमारा काम नहीं बनेगा। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए हमें खास तरह की एनर्जी चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच करे। तो ये एनर्जी हम लोगों को मिलता है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन, ठीक। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो सोलर एनर्जी होती है, सूरज से जो एनर्जी हमारे पास धरती तक आती है, उसमें तीन मेन रीजन्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन, IR लिखते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी और भी कम होती है, तो हम लोग इंफ्रारेड रीजन की बात कर रहे हैं।
इस रीजन में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज करके हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करते हैं। मतलब ये वाली एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे तो जो मॉलिक्यूल है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके और अगले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ज़्यादा ऊँचे अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और हम ये पता लगाएंगे कि किसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है और उसके बेसिस पर हम लोग जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन भी काफ़ी बड़ा होता है और इंफ्रारेड रीजन में भी अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एनर्जी जो होती है रेडिएशंस की E इक्वल टू एच न्यू या फिर E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या फिर E इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये तीनों में से कोई भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो भी एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एच तो वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हो क्योंकि लाइट भी एक तरह का रेडिएशन ही होता है। तो एच और सी हो गया, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और यहाँ पर एच और सी तो वही है। वन अपॉन लैम्डा को न्यू बार वेव नंबर लिखते हैं, तो ये वेव नंबर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एनर्जी को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन की जो एनर्जी है, एनर्जी को हम जरूरी नहीं कि हमेशा डायरेक्टली एनर्जी के टर्म्स में ही बोले, हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के जरिए भी जता सकते हैं, समझा सकते हैं, वेवलेंथ के टर्म्स में भी बातें कर सकते हैं, वेव नंबर के टर्म्स में भी बातें कर सकते हैं। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, उनके स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, तो हम कहते हैं कि एक जो है एक मिनट में जो है इतना मीटर दौड़ता है, दूसरा एक मिनट में इतना मीटर दौड़ता है, तो वो एक मिनट में कितना दूर तक दौड़ते हैं इससे भी उनके स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। जो एक मिनट में ज़्यादा दौड़ पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से दौड़ पा रहा है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हमने स्ट्रेंथ नहीं बताया, हमने ये बताया कि एक मिनट में कितना दौड़ता है, और तुमने आइडिया लगा लिया कि भाई जो ज़्यादा दौड़ता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी हम जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्टली जब रेडिएशन की एनर्जी को बताना हो तो हम रेडिएशन की एनर्जी को ही बताएं, हम एनर्जी के बदले फ्रीक्वेंसी की भी बातें कर सकते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा। हम एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ इतनी है या वेवलेंथ इतनी है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। और वेव नंबर के साथ भी एक कोरिलेट कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो मोस्टली हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग वेव नंबर के टर्म्स में बातें करते हैं। तो कौन सा रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं, जिस रेडिएशन का वेव नंबर करीब करीब 600 सेंटीमीटर इन्वर्स से ले करके 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक होता है, हम उस रेडिएशन को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं। इसको अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में समझना चाहेंगे तो 600 सेंटीमीटर इन्वर्स को वेवलेंथ में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है 16.6 माइक्रोमीटर, और 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स को अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर। तो हम इस वेवलेंथ से लेकर के इस वेवलेंथ तक का रेडिएशन, या फिर कहो इस वेव नंबर से लेकर के इस वेव नंबर तक का जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को यूज करके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है किसी भी कंपाउंड का रिकॉर्ड करते हैं। तो एक टिपिकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखाई कैसा पड़ेगा, तो हम करते क्या है, कंपाउंड का कुछ सॉल्यूशन वगैरह सिंपलिसिटी के लिए देखो बता दे रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन वगैरह सपोज ऐसा बना लिया, इसमें से हमने रेडिएशन पास किया, तो रेडिएशन जब इधर पास होकर के आएगा तो इधर हमारा डिटेक्टर लगा होता है जिसका काम ये चेक करना होता है कि कौन कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया और कौन कौन सा रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब कर लिया। फिर कंप्यूटर की मदद से हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिसमें हम लोग इधर कुछ इस तरह से यहाँ पर रख देंगे 600 सेंटीमीटर इन्वर्स, यहाँ पर रख देंगे 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स, और इस एक्सिस पर हम लोग रखते हैं ट्रांसमिटेंस,
ठीक। और ग्राफ को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट करते हैं। तो अगर इसमें कोई कंपाउंड भरा हुआ है और लाइट को पास करें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से जो है दिखाई पड़ सकता है। ठीक, ये दो पीक्स हैं। तो ट्रांसमिटेंस जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्बेंस उतना कम होगा, और ट्रांसमिटेंस जितना कम होगा एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा होगा। तो ग्राफ बिल्कुल नीचे तक चला जा रहा है, मतलब ट्रांसमिटेंस कम है। तो ट्रांसमिटेंस का अपोजिट होता है एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस मतलब कितना लाइट इसमें से इस पार आ गया, और एब्जॉर्बेंस मतलब कितना लाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया या कितना रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। मोस्टली हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब बातें करते हैं तो बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी वो ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में रहेगी। एब्जॉर्बेंस के टर्म्स में भी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें सभी लोग बातें करते हैं, अगर हम लोग यूसी में बातें करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज पता चलेगा हमने तुमको समझा दिया, तुमने हमको समझा दिया, और जब किसी तीसरे आदमी को समझाने जाओगे तो वहाँ सब जा करके गड़बड़ हो जाएगा। सो ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में ही हम बातें करेंगे। ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगा, ट्रांसमिटेंस कम होगा तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा। जैसे ये पीक काफ़ी नीचे आ गई है, मतलब इसका ट्रांसमिटेंस बहुत कम है तो एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो सीधे सीधे हम देखेंगे पीक जितना ज़्यादा नीचे तक आया रहेगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा लाइट उसने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इस एनर्जी को इसने काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, इस एनर्जी को इसने काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है। बाकी के एनर्जीज का एब्जॉर्प्शन या तो बहुत कम है या तो नहीं है, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और इन पीक्स को देख करके कि कितना कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, हम लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो इस स्पेक्ट्रम में दो रीजन हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक रीजन 600 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर इनवर्स का, और दूसरा रीजन 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से आगे 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का। इस वाले रीजन को हम नाम देते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। और इस वाले रीजन को 1400 से लेकर के 4000 तक को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि इधर वाले रीजन में जो पीक्स आती हैं उन पीक्स की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम पहचानने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। तो ये वाला रीजन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानने में मदद करता है, और इधर वाला रीजन जो है फिंगरप्रिंट रीजन जो 600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक फैला हुआ रहता है, इसका यूज मोस्टली हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कंपाउंड की आइडेंटिटी, जैसे अब ये हमारे फिंगर्स है इनका अपना एक इंप्रेशन होगा, इनका अपना एक प्रिंट होगा, सभी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है तो किसी के फिंगरप्रिंट से किसी को पहचाना जा सकता है। तो वैसे इस रीजन में जो पीक्स आएंगी, इस वाले रीजन में जो पीक्स आएंगी सभी कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो इस रीजन में जो पीक्स होते हैं उनसे कंपाउंड को सीधा सीधा मैच कराया जा सकता है कि अगर एक कंपाउंड के ऊपर हमें शक है, संदेह है कि ये वाला कंपाउंड सही है कि नहीं है, तो हम उसका स्पेक्ट्रम जो कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं उसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका एक नया नया स्पेक्ट्रम लैब में जा करके निकाल लेते हैं, दोनों को मिला करके देखते हैं। अगर दोनों का फिंगरप्रिंट रीजन मैच कर रहा है तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड एक ही, और फिंगरप्रिंट रीजन मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है। तो फिंगरप्रिंट रीजन में अगर दो स्पेक्ट्रम मैच करते हैं इसका मतलब दोनों स्पेक्ट्रम एक ही कंपाउंड्स के लिए हैं, और फंक्शनल ग्रुप रीजन में अगर दो स्पेक्ट्रम मैच भी कर जाए तो इससे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता है, बस यही समझ में आता है कि हाँ दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप, कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप रीजन में इनका जो स्पेक्ट्रम है मैच कर रहा है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब ये फंक्शनल ग्रुप रीजन में भी जैसे हमें अलग अलग जगहों पर पीक्स देखने को मिलेंगे और उन पीक्स के बेसिस पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें करीब करीब 2260 से लेकर के 2220 इस रीजन में हमें पीक मिलेगा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें 2260 से लेकर के 2100
सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक मिलेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमें जो है 1980 से लेकर के क्या लिख दिया, किसका लिख दिया, 1680 से लेकर के करीब करीब 1600 सेंटीमीटर तक के बीच में पीक मिलेगा। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो हमें 1650 से लेकर के 1650 से लेकर के 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक मिलेगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो हमें 1780 से लेकर के 1650 सेंटीमीटर तक के बीच में पीक्स मिलेंगी। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो हमें 1250 से लेकर के 1050 के बीच में पीक्स मिलेंगी। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अगर हमारे पास रहेगा तो हमें 1230 से लेकर के 1020 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक्स मिलेंगी। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पीक्स है जिनके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना होगा। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हमें 3650 से लेकर के 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक मिलेगा। और एक और तरह का ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, इसके लिए हमें 3300 से लेकर के 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक मिलेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए हमें 3500 से लेकर के 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक मिलेगा। और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो हमें जो है 3300 से लेकर के 2700 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये पीक देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कौन कौन से रीजन में पीक मिलेगा वो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मोस्टली जो ट्रिपल बॉन्ड रीजन होता है वो 2200 के आसपास होता है, जो डबल बॉन्ड रीजन होता है वो 1600-1700 के आसपास होता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सिंगल बॉन्ड रीजन जो होता है बड़े बड़े एटम्स के बीच में, बड़े बड़े एटम्स बोले तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बड़े बड़े एटम्स देखने को हमें मिलते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह का सिंगल बॉन्ड है तो ये 1100-1200 के आसपास देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ये 3000 और 3500 उसके आसपास हमें देखने को पीक मिलता है। ध्यान देना, ये नंबर जितना बड़ा होगा हम कहेंगे कि ट्रांजिशन के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नंबर जितना छोटा होगा हम कहेंगे ट्रांजिशन के लिए उतनी कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड के ट्रांजिशन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए कम एनर्जी चाहिए, सिंगल बॉन्ड के लिए और भी कम एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों? हम लोग यहाँ से जो फॉर्मूला हमने लिखा था न्यू इक्वल टू 1/2π√k/μ, इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो न्यू भी एक तरह से एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग वेव नंबर के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1/2π × c, √k/μ। तो हम इस फॉर्मूले से भी कोरिलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर बॉन्ड मजबूत होता है तो उसका फोर्स कांस्टेंट बड़ा होता है, फोर्स कांस्टेंट बड़ा होता है तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर ज़्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज़्यादा वेव नंबर या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए। जैसे जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है, डबल बॉन्ड कमज़ोर होता है, सिंगल बॉन्ड और कमज़ोर होता है, तो बॉन्ड जैसे जैसे कमज़ोर होता चला जाएगा वैसे वैसे हमें कम एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर, करेस्पॉन्डिंग एनर्जी, ये सारे वैल्यूज जो है धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखोगे ये सिंगल बॉन्ड्स है,
ठीक है, लेकिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन जो है काफ़ी हल्का आइटम होता है, छोटा आइटम होता है, तो जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहेगा तो ये जो रिड्यूस्ड मास है ये कम आएगा। अब ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मास कम होगा तो वेव नंबर बढ़ जाएगा, मास कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इधर जो पैटर्न है इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट की मदद से कोरिलेट करेंगे कि इनका फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड जैसे जैसे कमजोर होगा फोर्स कांस्टेंट कम होता चला जाएगा और इसीलिए कम फ्रीक्वेंसी या कम एनर्जी या कम वेव नंबर से ही ट्रांजिशन हो जाएगा। और जब इसमें आना पड़ेगा कि उधर की तुलना में ये इतना ज़्यादा क्यों है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन छोटा आइटम है, रिड्यूस्ड मास कम होगा, रिड्यूस्ड मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा वैल्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये मेन फंक्शनल ग्रुप रीजन्स हैं, इनके वैल्यूज़ हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा किस किस रीजन में आता है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या रीजन होता है, डबल बॉन्ड का क्या रीजन होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या रीजन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का क्या रीजन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, ये अल्कोहल के लिए, ये अल्कोहल टाइप का OH बॉन्ड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का OH बॉन्ड है। तुमको पता होगा कि अल्कोहल में भी OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH होता है, और अल्कोहल के लिए जो पीक आएगी वो 3650 से लेकर के 3200 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में आ सकती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसके लिए जो पीक आएगी वो 3300 से लेकर के 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में आता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर तुम जानते हो ना तो पता ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके रहते हैं। दो दो मॉलिक्यूल मिल करके इस तरह से, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जब इधर बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो बॉन्ड कमजोर होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी कम एनर्जी में ही ट्रांजिशन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मजबूत बॉन्ड होता है। अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसी बात नहीं कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता होगा, इसीलिए ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और इसीलिए जो एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन के लिए वो अल्कोहल जितनी ज़्यादा नहीं चाहिए बल्कि कम चाहिए। फिर उसके बाद अगर NH के साथ देखोगे, अगर इसको कंपेयर करें तो OH की तुलना में NH बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए इसकी तुलना में थोड़ा कम एनर्जी। CH बॉन्ड थोड़ा और कमज़ोर होता है, इसीलिए थोड़ी और कम एनर्जी। जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना मजबूत होगा, जितना कम पोलर बॉन्ड होगा उतना कमज़ोर होगा। तो OH ज़्यादा पोलर होता है, NH कम पोलर होता है, CH और भी कम पोलर होता है, इसीलिए बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा, तो जो एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए वो भी कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स को हमें पहचान लेना है अगर पीक मिल जाए हमें तो। फिर इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान देना ये सब वेव नंबर्स हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग लिखते समय फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं या फिर बुक्स में पढ़ते समय में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बोलो चाहे वेव नंबर बोलो इफेक्ट जो है सेम होगा। जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेव नंबर भी घटता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव नंबर भी बढ़ता है, तो जो इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर होगा वही इफेक्ट वेव नंबर पर भी होगा। इसीलिए बहुत बार बुक्स में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के बदले में फ्रीक्वेंसी वर्ड बार बार यूज करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो एक तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड अगर ट्रिपल रहे, डबल रहे, सिंगल रहे। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड है तो कम एनर्जी लगेगी, सिंगल बॉन्ड है तो और भी कम एनर्जी लगेगी। क्यों?
क्योंकि उसका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास चेंज होगा तो उसकी वजह से भी चीज़ें बदलती हैं। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि अगर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम होता है और वो जो मास होता है रिड्यूस्ड मास फॉर्मूले में नीचे की तरफ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक, अल्कोहल्स में जो ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो इस O और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, हाइड्रोजन अल्कोहल्स का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो 3300 से लेकर के 2500 के बीच में आता है, जबकि इसका 3650 के आसपास में रहता है। ठीक, और इसमें भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अल्कोहल्स को अगर हम लोग मान लो किसी सॉल्वेंट में घोल दे रहे हैं, ऐसा सॉल्वेंट है जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर कर जाए, तो अगर बीच में इंटर करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर हमने सॉल्वेंट बहुत थोड़ा सा लिया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट बहुत ढेर सारा मिला दें, ढेर सारा सॉल्वेंट मिला देंगे तो क्या होगा, अल्कोहल्स मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और उनको आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी पर होगा, क्योंकि OH बॉन्ड जो है, हमने कहा था ना कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो OH बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो OH बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो OH बॉन्ड जो है मजबूत रहेगा। तो अगर हम एक ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोकता हो, जैसे हम अल्कोहल को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दे, जैसे हेक्सेन में डिजॉल्व कर दे या पेंटेन में डिजॉल्व करने की कोशिश करें, या किसी ऐसे सॉल्वेंट में जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी न बनती हो, तो वो सॉल्वेंट बीच बीच में आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड मजबूत होने का मतलब इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम लोग अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है 3550 से लेकर के 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया जाए, कैसे तोड़ दिया जाए, इसमें ढेर सारा सॉल्वेंट मिला दो, ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता हो, तो ऐसे सिचुएशन में अब यही पीक जो है वो हमें 3650 से लेकर के 3590 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा एक और फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से भी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह का भी हो सकता है, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि sp3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा CH बॉन्ड, ये बॉन्ड मजबूत होगा। sp2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड, सॉरी थोड़ा उल्टा बता दिया, sp3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा कमज़ोर होता है, sp2 के साथ बनने वाला बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, sp कार्बन के साथ बनने वाला बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो बॉन्ड जो है एक मजबूत स्प्रिंग की तरह से काम करेगा, जिसको खींचने में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा और उसके एब्जॉर्प्शन मतलब उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन के लिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो भी ज़्यादा आएगा। तो हम देखेंगे इस तरह के सिचुएशन में हमें करीब करीब 2900 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी से काम चल जाता है, इस तरह के सिचुएशन में 3100 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी से काम चल जाता है, और इस तरह के सिचुएशन में करीब करीब हमें 3300 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी चाहिए होती। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे
चलो एक एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया जाए, एक कीटोन ग्रुप लिख दिया जाए, ठीक, और एक एस्टर ग्रुप लिख दिया जाए, एक अमाइड ग्रुप लिख दिया जाए। तो इसमें क्या है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करके रेजोनेंस करेगा। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करके रेजोनेंस करेगा। इन दोनों में रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, या फिर एक ऐसा सिचुएशन लिया जाए कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहे और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो जब भी रेजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड जो होता है रेजोनेंस की वजह से थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड कमजोर नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ अफेक्टेड होता है, और अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ अफेक्टेड होगा तो डेफिनेटली वो बॉन्ड कौन सी फ्रिक्वेंसी को या कौन से वेव नंबर को एब्जॉर्ब करेगा वो भी चेंज होता चला जाता है। तो हम देखेंगे अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो ये थोड़ा ज़्यादा वेव नंबर पर एब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि एस्टर और अमाइड है या फिर इस तरह का कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये तीनों में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में कम एनर्जी या कम वेव नंबर पर ही इसका ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो ये करीब करीब 1680 या 1690 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि ये जो है 1650 1630 इसके आसपास जो है काम बन सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है लेना तो ज़रूर था, लेकिन हम क्लास में आने से पहले बुक में से एग्जैक्ट वैल्यूज को लेना भूल गए हैं। तो तुम लोगों के पास भी बुक्स होंगी ही होंगी, और पढ़ने का देखो एक ज़रूरी पार्ट होता है। पढ़ने में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल्फ स्टडी, जिनके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, बुक्स से हम चीज़ों को अपने से पढ़ते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि टॉपिक्स के बारे में कुछ भी सिर पैर नहीं पता होता, थोड़ा भी आइडिया नहीं होता कि अंदर क्या चलने जा रहा है। तो बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसी तरह से मेरे साथ जब हम ग्रेजुएशन में हुआ करते थे, एक टॉपिक था फेज रूल, हम उसको अपने से पढ़ने की कोशिश करते थे। कई बार हमने कोशिश की, एक बार कोशिश की, एक पेज पढ़ने की कोशिश की, पेज तो पढ़ लिया लेकिन पढ़ने के बाद भी लगा जैसे अंदर कुछ गया ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा कोशिश की, फिर कुछ अंदर नहीं गया। तीसरी बार फिर कोशिश की, फिर अंदर नहीं गया। एक दिन ऐसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो काफ़ी रात को जो है हम जाग रहे थे, करीब डेढ़ बज रहा था रात का, डेढ़ दो के आसपास का टाइम था। तो मन किया चलो अच्छा देखते हैं एक बार, कुछ बुक देखते हैं शायद नींद आ जाए। तो बस वही फेज रूल हमने फिर से ओपन किया, और उस दिन पढ़ा तो जो है बस तुरंत ही पहला पेज समझ में आ गया। जैसे पहला पेज समझ में आ गया वैसे थोड़ा इंटरेस्ट जगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। फिर जब पहला पेज आ गया समझ में तो दूसरा पेज भी आया, तीसरा पेज भी आया, और उस दिन रात को हमने एक डेढ़ घंटे करीब करीब इन्वेस्ट किया और वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है पढ़ डाला। तो कभी कभी टाइम की भी बात होती है, लेकिन बहुत बार जो है हमें ज़रूरत होती है एक टीचर की जो टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे। दो तरह की चीज़ें देखो होती है, कुछ बच्चों को चाहता है कि ऐसा टीचर मिल जाए जो सब ऐसा पढ़ा दे कि हमें बिल्कुल आ ही जाए, लेकिन ये रियल टीचिंग नहीं होती और ना तो ये रियल पढ़ना होता है। टीचर का रोल क्या होना चाहिए, आई फील कि वो थोड़ा चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दे तुम्हारे साथ, कि तुम चीज़ों को अब थोड़ा थोड़ा जानने लगो। अब जब जानने लगे तुम्हारे मन में और जानने की इच्छा थोड़ी पैदा होगी, और यहाँ से शुरू होता है असली काम कि अब तुम थोड़ा बुक में जाओगे, खोजोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, थोड़ा स्ट्रगल करोगे, तो अब जो तुम्हारे पास जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और दूसरा कि एक टीचर आया, उसने सब कुछ लगभग पढ़ा दिया, तुम्हें कुछ भी खोजने की ज़रूरत न पड़ी, कुछ भी अपने से स्ट्रगल न पड़ा, तो हो सकता है तुम एक बार सब कुछ थोड़ा सा जान लो, लेकिन चूंकि तुमने मेहनत किया नहीं है, ऊपर से आया और ऊपर से फिर वो निकल भी जाएगा, तो बाद में तुम काफ़ी परेशान भी हो सकते हो इसकी वजह से। तो इसीलिए अपने से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉपिक तो लगभग हमने सारा कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, जो जो हो सकता था। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंडामेंटल, जिसकी मदद से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है, वो सब कुछ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो तुम्हें अपने से जानना है या फिर बुक से पढ़ करके जानना है, तो वो तुम्हें अपने से करना ही होगा। तो इतना कुछ जानने के बाद जो भी बुक्स तुम्हारे पास है जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल जाए, नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी बुक्स में मिल जाता है, तो तुम कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठा लो जिसमें चीज़ें मिल जाती हैं जो तुम समझ सकते हो। बुक में भी बच्चे पूछते हैं कौन सा बुक पढ़े, तो बुक वो पढ़ो जिसका लैंग्वेज तुम समझ सकते हो। ठीक, बुक का लैंग्वेज समझ में आना
बेहद ज़रूरी होता है। तो बाज़ार में जाओ, दो चार बुक्स को देखो कि इनका लैंग्वेज अच्छा है, कौन सा समझ में आता है, बस वो यूज करो। जैसे हम ग्रेजुएशन में हुआ करते तो एक करते थे छोटे से कॉलेज से, घर के पास में ही सिटी में जो छोटा सा कॉलेज था उसी के हरिश्चंद्र कॉलेज, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, इतना भी छोटा नहीं है और इतना भी बड़ा नहीं है, मतलब जस्ट एक बड़ा ही प्यारा सा कॉलेज है। तो वहाँ पर बहुत भयंकर पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, सब थोड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा घूमते हैं। हम भी उन्हीं लोगों में से एक थे। तो वहाँ पर एक बुक मेरे हाथ लग गई थी, बहल एंड बहल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका लैंग्वेज बड़ा सिंपल था, जब उसको पढ़ते थे तो सब कुछ समझ में जो है हमें आ जाता। तो हमने पूरे ग्रेजुएशन भर वही बुक पढ़ा, और इनफैक्ट हमें पता ही नहीं था कि उससे बढ़िया भी कोई बुक होती। फिर बाद में जब पोस्ट ग्रेजुएशन में गए, एमएससी में गए, तो और भी बड़े बड़े बुक्स के बारे में जाना, जैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन की बुक होती है, एक मॉरिसन बॉयड की बुक होती है, और भी पता नहीं कौन कौन से बड़े सारे बुक होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो ग्रेजुएशन में जब हमने बहल एंड बहल पढ़ा था तो हमें ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको पूरा पढ़ डाला था, जितना हो सकता था पूरा पढ़ डाला था। उसका भी दो एडिशन आता था, एक थोड़ा पतला वाला, एक थोड़ा मोटा वाला। तो हमने सोचा मोटा वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो हमने मोटा वाला ख़रीदा था और उसको पूरा पढ़ डाला था। तो हमें लगता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम आ ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा, पूरा बुक ही पढ़ डाला, वो भी सबसे मोटा वाला, तो अब क्या बचा होगा। तो बाद में जब एमएससी के लिए बीएचयू में पहुँचे, तो वहाँ लाइब्रेरी में पहुँचे एक दिन, और वहाँ जब किताबों को देखा तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, इतनी सारी किताबें केमिस्ट्री की, और एक एक टॉपिक पर पता नहीं कितनी कितनी किताब लिखी हुई है, मतलब पूरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक पर बुक्स, मोटी मोटी बुक्स प्रेजेंट। हमने कहा बस हो गया बंटाधार, मतलब हमने जो जाना है वो कुछ नहीं जानते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद लास्ट में पता चलता है कि कुछ नहीं जानते, तो इसके लिए बुक्स के दर्शन करने होंगे। बुक्स का दर्शन जो नहीं करेगा उसको क्या समझ में आएगा कि वो कितना जानता है और कितना नहीं जानता है। तो टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, बाकी अपने ज़रूरत के हिसाब से और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बुक्स में जा करके पढ़ सकते हो। फाइनली एक छोटा सा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो दो एप्लीकेशंस हो सकते हैं। नंबर एक, फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो उसके पीक्स को देख करके हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हैं। और दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, अगर कंपाउंड को बिल्कुल पता करना है कि ये कंपाउंड सही है कि नहीं है, तो कंपाउंड को लो लैब में ले जा करके उसका एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करो, और अगर वो कंपाउंड पहले से नोन है, पहले से उसका स्पेक्ट्रम कंप्यूटर वगैरह में सेव करके रखा है या बुक में मिल जाए, तो उसके स्पेक्ट्रम से मैच करो, स्पेशली इन द फिंगरप्रिंट जोन, फिंगरप्रिंट जोन में जा करके मैच करो। अगर वो मैच कर जाता है तो मतलब कंपाउंड जो है सही कंपाउंड तुम्हारे हाथ में है, गलत कंपाउंड तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम पर हमारी तरफ से इतना ही, बाकी तुम्हारी जब जैसी ज़रूरत हो थोड़ा बुक वगैरह में जाओ, खोजो, पढ़ोगे तो जानोगे, तुम्हें भी लगेगा कि तुम्हें काफ़ी कुछ आ गया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा कि और बड़ी बुक तुम्हारे हाथ में आएगी और पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे, तब कहोगे अब जो जानते हैं वो कुछ खास नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमें जो है पूरा जानकारी का जो है पहाड़ नहीं जुटाना है, उतना ही जानना है जिससे हमारा काम बन जाए। तो कुछ लोगों का काम इस लेक्चर से भी बन जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम्स है तो ये लेक्चर काफ़ी सफिशियंट है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, डिस्क्राइब करो, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। और भी बारीकियाँ जानना है तो थोड़ा बुक्स की तरफ रुख करो। आज के क्लास में इतना ही, क्लास के साथ प्रवचन भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए हम अगर बोर कर दिए हैं तो क्षमा चाहते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे किसी और दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।